धान की खेती मल्टीप्लायर तकनीक के साथ। आज देश में धान की खेती करने वाले किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, एक तरफ पानी की समस्या है, फसल में बढ़ते रोग कीट जैसे जीवाणु, पर्ण अंगमारी रोग, पर्ण झुलसना, पत्ती का झुलस रोग, ब्लास्ट या झोंका रोग, खैरा रोग, बकानी रोग, स्टेन बोरर कीट, लिव फोल्ड कीट, हुपर, ग्रास हॉपर, सैनिक कीट को बढ़ते प्रकोप, तो दूसरी तरफ खेती की बढ़ती लागत खर्च एवं कम होता उत्पादन लाभ। नतीजन धान की खेती करने वाले किसानों को अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इन सभी समस्याओं का टेम्पररी समाधान चाहते हैं, तो जैसा कर रहे हैं वैसा ही कीजिए। ये समस्याएं अगले कुछ सालों में और बड़े स्तर पर विकराल रूप में वृद्धि करेंगी। लेकिन अगर आप परमानेंट समाधान चाहते हैं, तो मल्टीप्लायर तकनीक आपके लिए है। मल्टीप्लायर तकनीक के 1 किलो के एक पैक में है 1 ट्रॉली गोबर खाद की ताकत, जो 100% ऑर्गेनिक कार्बन एवं 6 औषधीय तत्वों से मिलकर बना है। आइए जानें मल्टीप्लायर तकनीक का धान की फसल में इस्तेमाल कैसे करें। मात्र 2.5 से 3 किलो मल्टीप्लायर एकर इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं पहले ही सीजन में 25 से 50% तक। एक बीज उपचार मल्टीप्लायर 20 ग्राम 1 किलो बीज को उपचार करें। नंबर 2 नर्सरी में 1 एकड़ में नर्सरी तैयार करने के लिए 7 से 8 किलो तक धान का बीज लगता है। जितने एरिया में बीज बुवाई करके नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उसमें 250 ग्राम मल्टीप्लायर जमीन से इस्तेमाल करें एवं नर्सरी में बीज बुवाई के 15 दिन बाद से 25 से 30 ग्राम मल्टीप्लायर 15 लीटर पानी के साथ 5-5 दिन के अंदर 3 बार स्प्रे करें। नंबर 3 पौधे रोपण से फसल की कटाई तक के लिए मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना। पौधे रोपण से फसल की कटाई के समय तक का पूरा डोज मल्टीप्लायर के 2.5 किलो एक्स इस्तेमाल करना होगा। पौधे पोषण के तुरंत बाद 500 ग्राम मल्टीप्लायर 5 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर उसे एक डिब्बे में भरकर पूरे खेत में घूमते हुए फैला दें। पौधे पोषण के 20 दिन बाद यूरिया खाद देते समय 1.5 किलो मल्टीप्लायर कटिंग करके एकड़ में जमीन से इस्तेमाल करें। स्प्रे में पौधे रोपण के 15 दिन बाद से 250-250 ग्राम मल्टीप्लायर एकड़ 10 से 15 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार फसल के ऊपर छिड़काव स्प्रे में इस्तेमाल करें। मल्टीप्लायर के महत्वपूर्ण काम धान की फसल में ज्यादा फुटाव, जिसमें कल्ले की संख्या बढ़कर आता है, फसल की एक समान ग्रोथ होना, फसल डार्क ग्रीन व रोग मुक्त होना, बालियों की एक समान ज्यादा लंबी होना, चमकदार व वजनदार दानों की ज्यादा संख्या, उत्पादन पहले ही सीजन 25 से 50% तक बढ़ाना एवं अगले 5 से 7 सालों में 2 से 3 गुना तक बढ़ाना, खर्च हर साल 20% कम करना एवं अगले 5 से 7 सालों में 80% तक कम करना, मिट्टी को नरम व उपजाऊ बनाना। मल्टीप्लायर तकनीक गोबर खाद की कमी को पूरा करता है, साथ ही साथ खेत में फसलों के बेस्ट को कंपोस्ट करने में भी मदद करता है एवं मिट्टी में प्राकृतिक तरीकों से खाद बनाने की प्रक्रिया को चालू करना, रोग कीट को कम करना, फसल की अच्छी ग्रोथ एवं उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। मल्टीप्लायर तकनीक मात्र 7 साल तक ही इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसके बाद आवश्यकता नहीं। 4 किसान भाइयों की सफलता की कहानी उनकी जुबानी। 1 श्री राकेश ठाकुर सिवनी मध्य प्रदेश से, जिनके धान की 25 दिनों की फसल पीली होकर ग्रोथ विहीन हो गई थी, जिसके कारण गांव के सभी अनुभवी किसानों ने खेत की जुताई करके नई फसल लगाने का सुझाव दिया। तभी राकेश ठाकुर सर जी ने मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके करने का निर्णय लिया। मल्टीप्लायर जमीन से एवं स्प्रे में इस्तेमाल किया, जिससे धान की फसल अगले 15 दिनों में ही डार्क ग्रीन व अच्छी ग्रोथ में बन गई एवं जहां 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलता था, उन्हें 28 क्विंटल का उत्पादन लिया एवं आज राकेश सर अपने सभी फसलों में मल्टीप्लायर इस्तेमाल करके हर साल लागत खर्च 20% तक कम करते हुए उत्पादन में 50% तक बढ़ा चुके हैं।
इसी तरह देश की सभी राज्यों में लाखों किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक सभी फसलों में इस्तेमाल करके पहले ही सीजन 5 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाया पहले ही सीजन से। तो आप भी मल्टीप्लायर तकनीक मंगवा कर सभी फसलों में इस्तेमाल करके बने अपने गांव में सबसे फायदेमंद किसान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।